तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक सिलेक्शन से ये सबसे पहला जो प्रॉब्लम आमतौर पे आ, जो रिसर्चर या स्कॉलर को फेस करना होता है स्पेशली वो लोग जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे होते हैं वो स्टार्ट टॉपिक सिलेक्शन से करते हैं वो कहते हैं कि जी सर हम मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ तो जब मैं उनसे पूछता हूँ ये टॉपिक आपने कैसे सेलेक्ट किया तो कहते हैं सर बस ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है मुझे लगता है कि ये काम मैं कर लूंगा सो दिस इज रॉन्ग अप्रोच ऑफ टॉपिक सिलेक्शन लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ये कह देते हैं मैं देख रहा हूँ द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय इन ए बी सी ऑर्गेनाइजेशन तो आपने क्यों सिलेक्ट किया बस जी सर ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा टॉपिक है हम इसको ले सकते हैं वगैरह वगैरह नो द पॉइंट इज के पी एच डी लेवल पे या इवन एम एस लेवल पे इस तरह कोई भी टॉपिक जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता क्यों नहीं होता उसकी वजह यह कि आपसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि जी आपने ये टॉपिक कहाँ से निकाला कैसे आइडेंटिफाई किया तो अगर आपने जब टॉपिक सेलेक्ट करना है तो उसका जो सही अप्रोच क्या हो सकती है कि सबसे पहले आप एरिया आइडेंटिफाई करते हैं टॉपिक सेलेक्शन से भी पहले क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक आपको नहीं मिलेगा एक सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर आप अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ही आपको बता देती है कि जी ये हमारा प्रॉब्लम है एंड देन यू स्टार्ट डिगिंग आउट कि अच्छा प्रॉब्लम है तो क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है लेकिन मोस्टली जो हम रिसर्च करते हैं एकेडमिक uh, के अंदर यानी एम एस या पी लेवल में तो वो प्री uh, डिफाइंड नहीं होती हमें मालूम नहीं होता हमें मालूम करना पड़ता है तो टॉपिक सिलेक्शन का पहला मरला ये होगा कि हम एरिया सेलेक्ट करते हैं ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया हमारा क्या है वो क्या होता है एंटायर सिचुएशन विच सीज पॉसिबल नीड फॉर ए रिसर्च जिसमें वो ये देखने की कोशिश करता है कि क्या क्या रिसर्च हो सकती है किस जगह पे हो सकती है ठीक है ना कितनी हो सकती है या आया इसमें रिसर्च ऑलरेडी पहले से हो चुकी है या नहीं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग या रीडिंग आप ऑब्जर्व करके भी प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं या लिटरेचर रीड करके भी ढूंढ लेते हैं प्रॉब्लम क्या हो सकता है प्रॉब्लम करंटली एग्जिस्टिंग सिचुएशन रिक्वायरिंग इंप्रूवमेंट थ्योरेटिकल इशू और सोल्यूशन दैट नीड्स टू बी नीड्स इम्पेरिकल एविडेंस मोस्टली जो हमारी uh, जो एकेडमिक्स uh, में रिसर्च होती हैं वो थ्योरेटिकली ही होती हैं यानी इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के साथ नहीं देखा गया ठीक है या इस थ्योरी पे को इस तरह से टेस्ट नहीं किया गया तो वो इम्पेरिकल एविडेंसेस तो ये मोस्टली दो इश्यूज हैं जिनमें हमने रिसर्च आ, को देखना होता है थ्योरेटिकली या इम्पेरिकल ये थ्योरी मैंने लेके इसको इस कॉन्टेक्स में टेस्ट किया है वगैरह वगैरह और प्रॉब्लम करेंटली एग्जिस्ट ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं जी किसी का एचआर काम नहीं कर रहा प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रही या प्रोडक्टिविटी कम है एफिशिएंसी खराब है सेल्स कम है वगैरह वगैरह तो वो या वो कहते हैं जी हम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह की रिसर्चेस होती हैं आमतौर पर प्रैक्टिकल रिसर्चेस लेकिन आपने अगर पी लेवल पे या एमएस पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो हमारी वो मोस्टली जो होती हैं वो थोरेटिकल होती हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा जी एरिया को आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैंने किस तरह एरिया जो है वो कौन सा एरिया पे काम करना है तो मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी लेट सपोज मैं कहता हूँ जी मेरा एच आर एम है तो मेरा जो है वो ये मेरी स्पेशलाइजेशन है तो इसमें मेरा एरिया बहुत सारे हैं ट्रेनिंग है डेवलपमेंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल है रिक्रूटमेंट है सिलेक्शन है वगैरह वगैरह इसी में से आप ले फॉर एग्जाम्पल जी।, जी मैं लीडरशिप पे काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ अब लीडरशिप के अंदर फिर फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं सर्वेंट uh, लीडरशिप है है uh, क्या कहते हैं ऑटोक्रेटिक है ब्यूरोटिक लीडरशिप स्टाइल्स हैं मुख्तफ हैं इसके अंदर तो आप उसमें से एक फर्दर सब एरिया ढूंढ लेते हैं जी आई विल गो विद फॉर एग्जाम्पल सर्वेंट लीडरशिप तो अब आपने एक स्पेसिफिक एरिया अपना ले लिया अब अगला काम क्या करना है इस पे प्रिलिमिनरी डेटा गैदरिंग करनी है डेटा गैदरिंग डज नॉट मीन कि आप क्वेश्चन कर ला डेटा लेते हैं डेटा गैदरिंग मीन कि आप लिटरेचर पढ़ते हैं उस पर आप मुख्तलि रिसर्च आर्टिकल्स को डाउनलोड करते हैं और जाके देखते हैं कि अच्छा सर्वेंट लीडरशिप पे क्या काम होगा जैसे मैंने कहा मेरे पास स्टूडेंट आ जाते हैं कि जी सर मैंने काम रिसर्च uh, करनी है अच्छा जी किस पे करनी है सर मैं लेट सपोज सर्वेंट लीडरशिप पे काम करना चाहता हूँ अच्छा तो क्या करेंगे सर मैंने टाइटल सिलेक्ट किया है इम्पैक्ट ऑफ सर्वेंट लीडरशिप ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज फॉर एग्जाम्पल ठीक या ऑन दी मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो मैं उनसे कहता हूँ अच्छा आपको किसने बताया ये टॉपिक नहीं सर ये तो मैंने मुझे लगता है कि चूंकि जितनी अच्छी लीडरशिप होगी या सर्वेंट लीडरशिप होगा फॉर एग्जाम्पल या कोई भी तो वो उससे इम्प्लॉ के लिए जो है वो uh, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इस तरह से टॉपिक सेलेक्ट नहीं होते और यही वजह होती है कि फिर वो अक्सर वो आगे जाके आपके प्रोपोजल में जब आप लिखते हैं तो वहां पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं द फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू फाइंड द गैप गैप का क्या मतलब है गैप का मतलब यह है कि कितना काम हो चुका है इस टॉपिक के ऊपर सॉरी इस एरिया में और कौन सा काम रह गया है अब यह पता कैसे चलेगा ये पता चलेगा एक ही तरीके से और वो है रीडिंग आप जब फॉर जैसे हमने टॉपिक लिया सर्वेंट लीडरशिप तो हम मैं जिसपे दस बारह पंद्रह लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करूंगा और पढ़ूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि अच्छा इस पे कितना कितना काम हुआ है किस किस ने काम किया है किस किस के साथ इस वेरिएबल को देखा गया है कौन सा मीडिएटर लिया गया है कौन सा मोडरेटर लिया गया आउटपुट वेरिएबल क्या है एंटीसीडेंट क्या है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वगैरह वगैरह तो फिर मुझे पता चलेगा अच्छा जी अब ऐसा हो गया फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा जी इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ इंप्लॉईज मिसाल दे रहा हूँ पता लगा ये तो ऑलरेडी बीस बीस आर्टिकल इस पर पब्लिश हो गए हैं मुख्तलिटेक्ट के अंदर और मुख्तु और मोडरेटर्स के साथ तो फिर अगर मैं इस पर रिसर्च करूंगा तो वो कभी भी मेरा प्रोपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा तो अब गैप कैसे पता चलेगा आर्टिकल्स को आप पढ़ना शुरू करते अब आर्टिकल्स कैसे डाउनलोड करते हैं आप यू प्रॉबली विल नो इट बट मोस्टली जो है हमने क्या कहते हैं मैंने एक वीडियो इस पे बनाई थी हाउ टू सर्च एंड डाउनलोड रिसर्च आर्टिकल फ्रॉम uh, इंटरनेट तो वो आप वीडियो देख लें uh, अगर आपको गुड आइडिया सो यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ अदरवाइज अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो उसमें मैंने uh, तफसील से कुछ सात आठ मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया कि गूगल uh, स्कॉलर पे कैसे आप आ, अपना रिसर्च आर्टिकल ढूंढ लेते हैं तो जब आप रिसर्च आर्टिकल ढूंढते हैं और उनको रीड करते हैं तो उसमें देखना क्या है उसमें जो सबसे काम की बात देखनी है आपने वो देखनी है फ्यूचर डायरेक्शन आपने देखा कि रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है और वो मेरे ही एरिया पे है जैसे हम leadership को हमने लिया हुआ है uh, तो हमने इस पे दो चार पांच आठ दस आर्टिकल डाउनलोड किए और हमने देखा कि ये किस तरह से काम किया गया उनके रिसर्च मॉडल्स को देखेंगे और रिसर्च मॉडल को देखते ही एंड में कंक्लूजन के साथ अक्सर लिखा होता है रिसर्च लिमिटेशंस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस वहां पे उस रिसर्चर ने बताया होता है कि जी ये ये काम तो मैंने किया है और यहाँ तक हम आ गए हैं इससे आगे ये मीडिएटर लिया जा सकता है ये मॉडरेटर लिया जा सकता है या इस कॉन्टेक्स में बात की जा सकती है या मेथडोलॉजी चेंज की जा सकती है तो याद रखें आपका जो टॉपिक uh, में जान तभी आएगी कि या तो वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हो इन टर्म्स ऑफ मेथडोलॉजी और या वो इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनलिटी कोई कंट्रीब्यूट कर रहा हो और या इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी कुछ कंट्रीब्यूशन हो बेशक आप ये लफ्ज़ अपने पास लिख लें कि जब आपके टाइटल के अंदर या आपके जो जो आपने काम करना चाहते हैं जिसपे अगर उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है कोई यूटिलिटी नहीं है या उसकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो ना आपका पेपर एक्सेप्ट होता है ना ही आपका थीसिस का प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वो कहते हैं यार ये तो ऑलरेडी चीजें हो गई हैं इसमें आपने क्या नया किया ठीक है ना तो आप कहते हैं जी मैंने ये इस इस मेथड से ये काम हुआ है तो मैंने ये मेथड इस पे लगाया है जो कि अभी तक नहीं लगाया गया तो आपका मेथडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन आ गया ये आप कहते हैं कि जी ये चीजें ये और ये वेरिएबल तो देखे गए हैं लेकिन इस थ्यूरी के बेस पे नहीं देखे गए इस थ्यूरी को टेस्ट नहीं किया गया इसके साथ सो मैं इस थ्यूरी को टेस्ट कर रहा हूँ अभी तक जो ये देखेंगे ये थ्यूरी देखी गई ए बी सी डी और आप उनका रेफरेंस भी दे देते हैं लेकिन ये जो मैं थ्योरी यूज़ कर रहा हूँ तो ये या डेवलप कर रहा हूँ ये नहीं हो तो आप थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन पे चले जाते हैं या एम्पेरिकल कोई डेटा आप ऐसा लेकर आते हैं जो पहले उस पर डेटा कलेक्ट नहीं किया गया तो वो कहते हैं अच्छा यार ये एम्पेरिकली इसमें एडिशन है तो ये तीन चार कॉन्ट्रीब्यूशन जो हैं ये अगर आपकी रिसर्च में कोई एक भी नहीं है मिसाल के तौर पर तो फिर उसका एक्सेप्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है अब ये सारी बातें हमें पता कैसे लगेंगी ये हमें पता लगेंगी रीडिंग से वरना इस तरह से कोई भी टॉपिक आपको नहीं पता लगेगा मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कहते हैं सर फॉर एग्जाम्पल ये लीडरशिप की बात ही ले लेते हैं जी मैंने लीडरशिप पे काम करना है तो मैं उसको कहता हूँ कि जी अच्छा आपने किस लीडरशिप स्टाइल पे काम करना है तो कहते है, सर मैं सर्वेंट uh, लीडरशिप पे ही काम करता हूँ मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है आप ये बताएं कितनी थ्योरीज हैं लीडरशिप की सर ये तो पता नहीं है एक आद उसको मालूम होगी अच्छा ये बताएं कि लीडरशिप को किन किन वेरिएबल्स के साथ देखा गया लेटेस्ट ट्रेंडिंग इशू क्या है लिडर, सर्वेंट लीडरशिप के तो वो कहता सर ये तो पता नहीं है तो जब ये पता नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी पता नहीं है तो ये, ये चीजें हो सकता है आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में आपको भी सुपरवाइजर ने या टीचर ने कभी बताई होंगी कि यार आप ये तो वो जब तक आपको नहीं मालूम होगी तो ये नहीं पता चलेगा कि क्या करना है सो so, इतनी सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आप इस चीज़ को फोकस करें आमतौर पर ये चीज़ें स्टूडेंट्स में मिस मिस कर देते हैं जिसकी वजह से लेटर ऑन वो प्रपोजल भी लिख लिया या आर रिसर्च आर्टिकल लिख लेते हैं और वो फिर कहीं पब्लिश नहीं हो रहा होता वो अक्सर कह देते हैं जब कमेंट आता है रिव्यूअर का या तो रिजेक्ट ही कर देता है और या रिव्यूअर का कॉमेंट आ जाता है कि आ, नो नोवेल्टी कोई नोवेल्टी नौ, नहीं है इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है और वो आपके जो सारी तीन चार छः महीने की मेहनत है वो कहीं भी मतलब हो जाती है सेंस के वो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता अब कैसे डेवलप करेंगे फ्यूचर डायरेक्शन इसको अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक आर्टिकल के जरिए फर्स्ट करें हम लेते हैं गूगल स्कॉलर को खोल लेते हैं यस ये मैंने इसको ओपन किया है इसको है ये आपका आपको स्क्रीन नजर आ रही है गूगल स्कॉलर वाली ये गूगल वाली ठीक है अच्छा जी अब ये यहां पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया चलिए ये ऊपर सबसे रिजिलियंस इन वर्क प्लेस ही आया हुआ मैं ये लिख ले लेता हूं कि ये मैं इसके बारे में कुछ मालूम करना चाहता हूँ इस पर काम करना चाहता हूँ रिजिलियंस वर्क में ऑफिस में या वर्क प्लेस पर रिजिलियंस का क्या रोल है तो ये देखिए आपको लेफ्ट साइड पे ईयर वाइज नजर आ रहा है आप चाहें तो uh, किसी भी ईयर से ये डेटा आपको इकट्ठा करना कर सकते हैं लेकिन जब आप टॉपिक सेलेक्शन पे आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम लेटेस्ट जो रेफरेंसेज हैं उसको लें तो टू थाउजेंड नाइनटीन इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट क्योंकि अब 20 भी खत्म हो गया तो आप टू थाउजेंड ट्वेंटी को ही सेलेक्ट करें नॉर्मली ठीक है मैं इसको यहाँ पे नाइनटीन कर देता हूँ तो आप देख लें रोल ऑफ रिजिलियंस बिटवीन वर्क प्लेस बुलिंग इसका और इसके साथ रिलेशनशिप आ रहा नजर इन्फ्लुएंस पर ऑफ पर्सनल रिजिलियंस एंड वर्क प्लेस रिजिलियंस एंड मॉरल डिस्ट्रेस ये देखें आपको पता लग रहा है कि यार ये ट्रेंडिंग इशूज चल रहे हैं रिजिलियंस पे किस तरह से काम हो रहा है किन किन वेरिएबल्स के साथ हो रहा है तो ये मुख्तलिफ तरह के आपके पास आ रहे हैं रिजिलियंस एंड वर्क प्लेस बुलिंग आ गया वर्क प्लेस के साथ आ गया, Zealand, में रिसर्च हुई, uh, लगता है आप देखना चाहते हैं कि यार वर्क प्लेस रिजिलियंस और वर्क प्लेस बुलिंग में आप देखना चाहते हैं कि दोनों में कि या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को आप देखना चाहते हैं तो फिर आप उन दो वेरिएबल्स को भी देख सकते हैं अच्छा इसमें जो बड़ा इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ है ना वो क्या है वो ये है कि आप कोशिश करें कि ऐसा अगर कोई भी वेरिएबल जो इस पर आप काम कर रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन है मोटिवेशन है म्यूचुअल फंड्स हैं या फाइनेंस का कोई भी टॉपिक है या याचर कोई भी है तो आप उसकी कंसेपचुलाइजेशन पे सबसे पहले काम करें जो बड़ा इनिशियल स्टेज होता है कि आपको पता चले कि होता क्या है जैसे मैंने कहा सर्वेंट लीडरशिप है तो मैं सवाल ये करूंगा अपने स्टूडेंट से कि भाई मुझे बताइए होता क्या है सर ये लीडरशिप की एक किस्म है भाई कहाँ से शुरू हुई कैसे हुई कौन सी थ्योरी हुई किस तरह डेवलप हुआ कितनी अप्रोचेज हैं कितने इसके जो हैं वो है वो डायमेंशन हैं किस तरह से मैयर किया गया है इसको इसका स्केल कितने डेवलप किए गए हैं वगैरह वगैरह या कहाँ पे मीडिएटर लिया गया है इसके एंटीसीडेंट्स क्या हैं इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं ये सारा कुछ आपको मालूम जब होगा तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा तो अब ये देखिए मैंने इसमें एक आर्टिकल ये ढूंढा है रिजिलियंस इन वर्क प्लेस अ मल्टी लेवल रिव्यू एंड सेंथिस अब ये टू ट्वेंटी ट्वेंटी का एक आर्टिकल है और वेले ए, मैं ऑनलाइन लाइब्रेरी में ये मतलब उनका ये उनमें पब्लिश हुआ है तो ये अच्छा एक वो है जर्नल है जिसमें ये अच्छे एक डेटा है वेले अच्छा डेटा भी चार पांच जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर साइंस डायरेक्ट है वेले है और एमरल्ड है ठीक है ये आ, है इसके अलावा रिसर्च गेट वगैरह तो ये आपको, आपके लिए इनके रेफरेंसेज आपको ज्यादा फायदा देंगे जब आप पब्लिशिंग के लिए जाते हैं तो तो ये हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ये मैंने इसको डाउनलोड किया है यहाँ पे ताकि हम टाइम बचा लें और इसको ये रहा हमारे पास ठीक है जी ये है रिजिलियंस इन वर्क प्लेस मल्टी लेवल अब ये सेंथिस मतलब ये किसी बंदे ने सिलजा हर्टमैन और मैथिस इन लोगों ने एक पूरा सेंथिसिस बता दिया है इस एक आर्टिकल के अंदर शुरू से आखिर तक रेजिलियंस के बारे में कब कब कहां कहा, किस किस तरह से ये वेरिएबल पे काम किया गया किस किस ने किया किस तरह इसको मीडिएटर लिया किसने इसको इस तरह लोगों ने मोडरेटर लिया ये एक आर्टिकल आप पढ़ लेते हैं तो आपको रेजिलियंस के बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाता है ये मैं आपको सिर्फ एक केस स्टडी के तौर पर दे रहा हूँ आप अपने वेरिएबल Uh, का भी कोशिश अगर इस तरह से लफ्ज आ जाए कंसेप्चुअलाइजेशन या रिव्यू या सिंथेसिस तो वो एक आर्टिकल आपको बड़ा हेल्प कर देगा आपके मतलब काफी आपका काम जो है वो आसान कर देता है मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ आप एक इस आर्टिकल पे रिलाई करेंगे मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करें ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देगा आप ऑब्वियसली और भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे गैप आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं आ, ये इसका इंट्रोडक्शन है और हम इसको मजीद देखते हैं ये देखें यहाँ से इसकी डिफिनेशन शुरू हो गई है इसने बताया जी कि रेजिलियंस को कब कब कैसे कैसे किस किस ने किस तरह से डिफाइन किया हुआ है तो अब आपको यहाँ से इसको जब पढ़ेंगे तो आपको इसकी जो डेफिनेशन है यानी जिसको हम ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं वो आपको पता चलनी शुरू हो जाएगी ये मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हुई हैं तो आप इसी तरह फिर ये देखें ये आगे अगला इसका स्टेप इंडिविजुअल रेजिलियंस फिर आगे जाके टीम रेजिलियस की भी बात करेगा तो आपका इंड, इंटरेस्ट तो है और अगर इंडिविजुअल तो, तो, तो फिर यहां से इसने ये इंडिविजुअल रिजिलियंस का ये कॉन्सेप्ट क्या है ये कब आया किस तरह से आया किस, -किस ने इसको डेवलपमेंट की किसने किस तरह से यूज किया ये सारा इसके अंदर इसने बता दिया ये मैं आपको इस सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब काम शुरू करते हैं तो जब आप इस तरह से नहीं ना स्टडी करते हैं, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं आगे जाके फिर आपको समझ नहीं आ रही थी सर इसमें थ्योरी कौन सी लगाऊं इसमें क्या करूं ये वेरिएबल किसके साथ लगेगा मेरे पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सर इस टॉपिक पे कौन सी थ्योरी लगेगी भाई मुझे क्या पता कौन सी थ्योरी लगेगी आपका एरिया ऑफ रिसर्च है आप जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर कौन सी थ्योरी लगेगी अच्छा फिर नेक्स्ट देखें कि इंडिविजुअल रिजिल्स को मैयर कैसे किया गया मैयर या ऑपरेशनलाइजेशन जिसे कहते हैं फिर ये देखें स्केल्स की बात आ रही है कि वेराइटी ऑफ स्केल्स हैं अब ये बता रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को कब कब किस किस तरह मैयर किया गया कितने स्केल्स बनाए गए हैं अब ये सारे स्केल्स की डिटेल आपको सामने नजर आ रही है ठीक है ये हम जल्दी जल्दी, जल्दी जा रहे हैं क्योंकि हमारा तो ये कोई टॉपिक नहीं है लेकिन हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है इस तरह से आपको इस वेरिएबल के बारे में जितने ये देखें सारे स्केल्स डेवलप हुए हैं ये सारे आथर नेम स्केम ठीक है और ये नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इसके अंदर चार नंबर ऑफ आइटम है इस स्केल के अंदर छह आइटम है इसके अंदर पच्चीस आइटम है फिर ये उनकी वेलीडेशन हुई, हुई हुई है फिर ये अंडर लाइन कंसेपचुलाइजेशन एंड फोकस ये मजीद डिटेल है उसकी एंड दैन एग्जाम्पल्स वगैरह और ये जिन जिन लोगों ने किया है वो उनके नाम भी हैं तो अब आपको अपनी में इसको इस्तेमाल करने के लिए बड़ा आसान है कि आप देखते हैं कि जी मुझे कौन सा स्केल लगाना है और आप यहाँ से आपको आइटम्स भी पता चल जाएंगे तो ये देखें सारे स्केल्स उसने यहाँ पे मेंशन किया यानी रिजिलियंस को कितने तरह से मैयर किया गया है ये सारा इसने दो तक का जितना भी था ये सारा इसने इसमें यहाँ पे लिख दिया फिर आगे देखें तो ये देखें फॉर फ्रॉम द थर्टी मयरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट देखिए थर्टी मयरमेंट इंस्ट्रूमेंट ने डिफाइन किया और उसके अंदर ये फिर आगे उसने उसका उसके ऊपर डिस्कशन भी किया कि इसमें तेरह जो है वो उनमें ये मसला है उसमें ये है इसमें ये चीज़ है ये मोस्ट स्केल्स आर यूनि डायमेंशनल एंड फ्यू स्केल्स आर मल्टी डायमेंशनल तो अगर आपने यूनि डायमेंशनल स्केल लेना है तो आपकी स्टडी उस पर फिट आती है तो वो वो ले सकते हैं मल्टी डायमेंशनल स्केल पे फिट आ रही है वो तो आप उन्हें उसको देख तो कहने का मकसद ये आपको उसके बारे में काफी कुछ मालूम हो रहा है एक वेरिएबल के बारे में जिसपे आप काम कर रहे हैं देन अगला जो इस बंदे ने जबरदस्त काम किया है इन ऑथर्स ने वो ये किया एंटीसीडेंट्स ऑफ रिजिलियंस यानी कॉजेज रिजिलियंस किन चीजों से हो सकती है एंटीसीडेंट्स क्या है इसके तो ये इसने सारे यहाँ पे देखें बताए हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेड्स एंड कल्चरल वैल्यू किस किस ने कब कब कौन सा एंटीसीडेंट लिया है विद रेफरेंसेस सारी चीज यहाँ पर आपको मिल रही है ठीक है ये देखें ये आ गया ये सारे वर्क प्लेस वगैरह वगैरह फिर किस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसका नेगेटिव है वो भी सारा फिर पर्सनल सेल्फ एफिकेसी वगैरह वगैरह ये देखिए सारा ही उसने एंटीसीडेंट्स बता दिए तो ये यहाँ पे उसने बता दिया कि जी ये चीजें हैं और किन के दरम्यान कैसा रिलेशनशिप है किन किन स्टडीज में क्या क्या रिलेशनशिप आया और मजे की बात है थ्योरीज भी बता रहे हैं देखें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स थ्योरी लगाई गई है किसी ने किसी ने जमा डॉप सॉरी जॉब डिमांड रिसोर्स थ्योरी लगाई है किसी ने सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी लगाई है अब आपको आइडिया हो रहा है कि अच्छा मतलब इन इस वेरिएबल को अगर मैं इस वेरिएबल के साथ देखूँ तो ये थ्योरीज जो हैं ये भी लग सकती हैं तो फिर आप उस थ्योरी को पढ़ लेते हैं और आप फिर देखते हैं कि क्या इसमें से कौन सी थ्योरी मेरी स्टडी के लिए फिट है इसी पर्सनल एटीच्यूड एंड माइंड सेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है ये सारा इसने यहाँ पे लिख दिया है अच्छा हम आगे चलते हैं और इसने क्या काम किया है अच्छा अब आउटकम्स आउटकम्स ऑफ इंडिविजुअल रिजिलियंस यानी अगर एम्प्लॉई रिजिलियंट है तो उससे रिजल्ट क्या निकलेगा परफॉर्मेंस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी और वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स एंड चेंजेस इन चेंज रिलेटेड एटीट्यूड्स

उनकी स्टडीज ये आ गई हैं और फिर कौन कौन सी थ्योरीज लगाई हैं ये सारा कुछ बता रहा है वो कह रहा है यानी वेरिएबल्स को मीडिएट करता है अब देखिए मैं जो आपको ये इतनी डिटेल इसलिए समझा रहा हूँ कि इस एक आर्टिकल के अंदर इस, इन लोगों ने कितना जबरदस्त काम किया हुआ है कि ये चीजें सारी एक आर्टिकल में अगर आपको मिल जाती हैं तो आपका कितना काम आसान हो जाता है तो आप अगर एज ए रिजिलियंस को अपने वेरिएबल को एक मीडिएटर ले रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किन दो वेरिएबल्स को ये मीडिएट करता है और किन किन लोगों ने इसको यहाँ पे लिया हुआ है ठीक है ये स्टडीज भी इसने सारी बता दी है अच्छा ये जबरदस्त इसने काम किया है यहाँ पे ये यह देखें ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जो कि समझ लें कि इंडिपेंडेंट हैं देन इनका आउटकम है इंडिविजुअल रिजिलियंस एंड देन इंडिविजुअल रिजिलियंस लीड्स टू दीज आउटकम्स फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं जी पर्सनल रिसोर्सेज एक्सपर्टी सेल्फ एफिकेसी वगैरह जितनी अच्छी होगी तो उससे इंडिविजुअली की रिजिलियंस अच्छी होगी तो इंडिविजुअली रिजिलियंट होगा जितना उतनी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी करियर सक्सेस ओसी बी वगैरह मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ वर्क रिलेटेड अब आपको अब यहाँ से मॉडल अगर डेवलप करना होगा तो आपको ये भी बड़ी आसानी होगी कि आपको ये पता चल गया कि मीडिएट करता है किन दो वेरिएबल्स के दरमियान और स्टडी रेफरेंस के लिए आप ऊपर जाके देख लेंगे कि किस किस ने पे इसको लिया है नेक्स्ट जो इसने काम किया वो है इंडिविजुअल एज सॉरी इंडिविजुअल एज मॉडरेटर कि मॉडरेटर भी इस्तेमाल हुआ है रिजिलियंस अच्छा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये देखें इसने बताया कि किन दो वेरिएबल्स को ये मॉडरेट करता है रिलेशनशिप को मॉडरेट तो कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है सिवेरिटी वगैरह वगैरह और इस तरफ ये मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ तो यहाँ पे ये एज ए मॉडरेटर भी इस्तेमाल हुआ है और ये नीचे सारे रेफरेंसेस स्टडीज के दिए हुए हैं ठीक है कि इन लोगों ने लिया है ये 2015 एंड ये सारा ई आर रिस्पॉन्स एंड 2014 ये सार है एंड देन सिमिलरली फिर इसने टीम रेजिलियंस के ऊपर भी बात की है तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह का अगर आपको कोई आर्टिकल मिलता है अपना अपने एरिया पे तो जब आप उसको पढ़ लेते हैं ना तो आपको अच्छी खासी अपने एरिया के ऊपर चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और आप उसका वो एक टेबल भी बना सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो वो आप उसको इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर आप अब आपको समझ आ रही है कि बेसिकली क्या होता है या जो भी आपका वेरिएबल है वो क्या है कब कब मीडिएटर लिया गया है कब कब मोडरेटर लिया गया है फिर कौन कौन से मेथड्स यूज किए गए हैं ठीक है, है? यानी चूंकि ये सब्जेक्टिव वेरिएबल है तो इसकी मेजरमेंट कैसे की गई है तो जो फाइनेंस का होगा वहां पे उन्होंने मुख्तु तरीके से उसको प्रॉक्सीज वगैरह जो लेते हैं या और जो मेथड्स हैं उसको यूज किए जाते हैं तो ये सारी मेजरमेंट इसकी आ गई फिर इसके टीम रेजिलियस के एंटीसीडेंट्स हैं फिर ये इसके आउटकम्स हैं फिर टीम रिजिलियंस को किन किन तरह से मीडिएट किया गया ठीक है मैं एज ए मीडिएटर लिया गया फिर मैं मॉडरेटर लिया गया ये सारा कुछ अच्छा अब ये करने अच्छे देखें फिर इसने ये भी बता दिया थ्यूरीज कौन कौन सी है ट्रेड एक्टिवेशन थ्यूरी लगी है सोशल कॉगनेटिव थ्यूरी लगी हुई है ठीक है ये यूज होती है ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्यूरी इसमें सपोर्ट करती है वगैरह 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 ठीक है तो अब आपको एक ही चीज के अंदर बहुत कुछ मिल गया अच्छा अब अगला इसने एक और इंटरेस्टिंग ये काम किया हुआ है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्पेरिकल एडवांसमेंट अगर आप इस एरिया में काम करना चाहते हैं तो कौन कौन से एवेन्यूज आपके लिए खुले हुए हैं तो इसमें ये देखें इसमें बता रहा है कि जी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सजेस्ट दैट क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेज में बी वेल सूटेड एज क्वालिटेटिव रिसर्च फॉर द इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉम्प्लेक्स फला फल ये नहीं बता रहा है कि आप इसमें से जो एडिशन कर सकते हैं कि अगर आप ये जो काम लोगों ने किया है इसमें से आप उन्होंने मोस्टली क्वानिटेटिव पे किया है तो आप इसको पे भी कर सकते हैं फिर ये मजीद बता रहा है कि जी कैपेसिटी है मोस्टली डू नॉट डॉक्यूमेंटेड द मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्सिटी और पॉजिटिव एडाप्टेशन ये नहीं मिल रहे हमें तो आप इन वेरिएबल्स को भी ले सकते हैं फिर फर्दर ये बता रहा है कि देयरफॉर द रिसर्चर